हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्टीरियस जहाज के बारे में जिसने कई सौ सालों पहले अपनी यात्रा शुरू तो की लेकिन कभी उस यात्रा को ख़त्म नहीं कर सका। और आज भी ये मिस्टीरियस जहाज समुद्री जहाज़ों को दिखाई देता रहता है, लेकिन समुद्र में इस शापित जहाज का दिखना एक ऐसी बदनसीबी है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। माना जाता है कि इस जहाज का दिखाई देना एक बुरा संकेत है। आज तक जिनको भी ये जहाज दिखाई दिया है उन जहाजों और जहाजियों के साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा हुआ है। 11 जुलाई 1881 को HMS बखाटे नाम के इस जहाज में किंग जॉर्ज द फिफ्थ अपने भाई एल्बर्ट विक्टर के साथ यात्रा कर रहे थे। अपनी यात्रा में ऑस्ट्रेलियन समुद्र के पास लगभग सुबह 4 बजे उन्हें दूर समुद्र में एक तेज लाल रोशनी दिखाई दी और फिर अचानक उस लाल रोशनी में एक जहाज प्रकट हुआ और फिर कुछ ही देर में वो रोशनी और जहाज दोनों ही गायब हो गए। शिप पर उस वक्त मौजूद लगभग 13 लोगों ने इस जहाज को अचानक प्रकट होते हुए और गायब होते हुए देखा था। जहाज पर मौजूद लोगों को यह अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने अभी अभी कुछ मिस्टीरियस देखा है, लेकिन वो शापित जहाज द फ्लाइंग डचमैन था। इसका पता उन्हें तब लगा जब ठीक उसी सुबह HMS बखाटे के उस क्रू मेंबर की जहाज पर ही दर्दनाक मौत हो गई जिसने सबसे पहले उस मिस्टीरियस जहाज को देखा था। उन लोगों ने यह मान लिया कि फ्लाइंग डचमैन के दिखाई देने की वजह से ही यह अपशगुन हुआ है। वहीं फ्लाइंग डचमैन, जिसकी दहशत एक समय पूरे अफ्रीकन सी पर थी, दहशत भी इतनी कि समुद्री यात्रा से पहले जहाजी यात्रा के दौरान मौसम साफ रहने की प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि खराब मौसम के दौरान लोगों को यह भूतहा जहाज हवा में उड़ता हुआ सा दिखाई देता था। ऐसा माना जाता था कि जिस किसी को भी ये जहाज दिखाई देता था उसके साथ कुछ ना कुछ बेहद गंभीर और विनाशकारी घटना जरूर घटी थी। तो फ्लाइंग डचमैन की ऐसी ही कई मिस्टीरियस साइटिंग का दावा आज तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने किया है। ऑथर निकोलस मॉन्सरेट ने अपने नॉवल द क्रूअल सी में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इस भूतहा जहाज को पैसिफिक ओशन में दिखाई देने का दावा किया था, जब वो रॉयल नेवी में नेवी ऑफिसर्स के पद पर पोस्टेड थे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही एक जर्मन सबमरीन ने भी इस घोस्ट शिप को देखने का दावा किया था। और ऐसे ही दावे साउथ अफ्रीका के केपटाउन के निवासियों और केप ऑफ गुड होप के रास्ते सफ़र करने वाले जहाज़ों ने भी किया था। लेकिन ये जहाज कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, इस बात की मालूमात किसी को भी नहीं थी। कई लोग इसे एक मिथक मानते थे और कई लोग इसे एक डरावनी सच्चाई, लेकिन असल सच क्या है इसका ठोस दावा आज तक कोई नहीं कर पाया है। द फ्लाइंग डचमैन शिप वर्चस्व में कैसे आया और क्या था उसका इतिहास, इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्करण पाए जाते हैं। लेकिन एक आम धारणा के अनुसार फ्लाइंग डचमैन वास्तव में एक वेसल था जिसके कैप्टन का नाम था हेंड्रिक वैन डर डेकन, जिसे लोग डचमैन के नाम से भी जानते थे। सन 1641 में कैप्टन हेंड्रिक डेकन अपने शिप को हॉलैंड से ईस्ट इंडीज की ओर व्यापारिक यात्रा के लिए लेकर निकले और अपनी सफल यात्रा के बाद घर वापसी लौट रहे थे। लेकिन वापस लौटते वक्त बीच रास्ते में ही कैप्टन हेंड्रिक ने रूट में कुछ बदलाव कर दिए और शिप को केप ऑफ गुड होप की ओर मोड़ने का आदेश दे दिया। क्रू मेंबर्स कैप्टन के इस फैसले से बेहद नाखुश थे, क्योंकि वो जल्द से जल्द वापस अपने घर पहुंचना चाहते थे। लेकिन कैप्टन ने किसी की भी एक नहीं सुनी और जहाज को केप ऑफ गुड होप की ओर आगे बढ़ते रहने का आदेश दे दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ देर बाद इस जहाज का सामना एक भयानक तूफान से हुआ जिसने इस शिप को निस्तनाबूद कर दिया और अंततः कैप्टन हेंड्रिक, उनका जहाज और सभी क्रू मेंबर्स को उस भयावह समुद्र ने निकल लिया। इस दुखद त्रासदी का असली जिम्मेदार कैप्टन हेंड्रिक को ही माना गया। उन क्रू मेंबर्स की बद्दुआओं ने इस शिप को एक शापित भूतहा जहाज बना दिया जो हमेशा किनारे की तलाश में भटकता रहता है। इस कहानी के अलावा इस शिप के भूतहा हो जाने की अन्य कई कहानियां लोगों में प्रचलित है, लेकिन भले ही इस शिप की शापित और भूतहा होने की असल कहानी कोई हो, पर इसका सामना करने वालों का हश्र एक जैसा ही होता है। इन अवधारणाओं के विपरीत अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से फ्लाइंग डचमैन घोस्ट शिप की साइटिंग को देखा जाए तो इन रहस्यमय साइटिंग्स को साइंस के एक छोटे से फिजिक्स फिनोमिना द्वारा समझा जा सकता है जिसका नाम है फेटा मोरगाना।
जो कि वास्तव में एक मिराज होता है। मिराज एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम होता है, जिसमें लाइट रेस के बेंड होने और रिफ्रैक्शन के कारण ये दृष्टि भ्रम पैदा होता है। फेटा मोरगाना भी ऐसे ही एक मिराज है, जिसमें समुद्री सतह के अलग अलग एयर टेम्परेचर और पृथ्वी के होराइजन पर लाइट के बेंड होने के कारण ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है मानो दूर कोई जहाज स्थित हो, लेकिन असल में वहाँ कुछ नहीं होता। फिजिक्स का ये सिद्धांत ये समझाने में अभी विफल है कि फ्लाइंग डचमैन को देखने वाले लोगों की मौत होने और उनके पागल हो जाने की असल वजह क्या है। तो क्या फ्लाइंग डचमैन से जुड़ी इन घटनाओं में वाकई कोई सच्चाई हो सकती है, या ये कोइंसिडेंस की महज एक श्रृंखला ही है? क्या वाकई द फ्लाइंग डचमैन एक शापित जहाज है या सिर्फ एक मामूली सा भौतिक सिद्धांत? क्या ये सब सच है या सिर्फ एक मिथ? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स के द्वारा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।